हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एल जी आर स्टडी आई टी आई पॉलिटेक्निक एंड पारा मेडिकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 9 नंबर वीडियो है। इस तरह का 8 वीडियो दोस्तों ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, तो अगर अभी तक आप उस सभी 8 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज का जो फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है कि आयरलैंड है ना, सॉरी आइसलैंड की मुद्रा है, आइसलैंड की जो मुद्रा है वो क्या है। तो आपको बता दें कि एक का ए ऑप्शन से होगा, यानी कि क्रोन। आइसलैंड की मुद्रा को, जिस तरह से भारत के मुद्रा को रुपया कहा जाता है, अमेरिका के मुद्रा को दोस्तों आपको बता दें कि डॉलर कहते हैं, डॉलर। तो आइसलैंड की जो मुद्रा उसको क्या कहते हैं, क्रोन कहते हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो यहां पर आपका 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि बांग्लादेश का है ना स्वतंत्रता दिवस है, मतलब बांग्लादेश जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाती है। जैसे हम लोग स्वतंत्रता दिवस आप सभी को पता है कि 15 अगस्त के दिन मनाते हैं, तो बांग्लादेश कब मनाती है। तो यहाँ पर आपका 2 का दोस्तों सही आंसर होगा, वो दोस्तों आपका ए होगा, यानी कि 26 मार्च 1971। क्योंकि आपको बता दें कि बांग्लादेश जो है 26 मार्च यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस जो है कब है, स्वतंत्रता दिवस क्या है, तो 1971 में आज़ाद हुई थी, ये आपको बताना है। इसीलिए वो लोग 26 मार्च को मनाती है स्वतंत्रता दिवस। तो बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस क्या है, मतलब 26 मार्च 1971। हम लोगों का स्वतंत्रता दिवस क्या है, भारत का, तो भारत का आप सभी को पता होगा 15 अगस्त 1947 है। क्योंकि आपको बता दें दोस्तों कि अब बात उठती है कि हम लोग गुलाम थे किसके, तो अंग्रेज़ के। तो बांग्लादेश किसका गुलाम था, आपको बता दें बांग्लादेश पाकिस्तान का गुलाम था। अगर सीधी सीधी बात किया जाए तो पाकिस्तान जो है पूरे एक तरह से समझिए कि वर्चस्व बना रखा था किसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर। क्योंकि बांग्लादेश भी पहले दोस्तों पाकिस्तान का ही हिस्सा था, और 1971 में युद्ध हुआ जिसमें भारत ने सहायता किया बांग्लादेश का, और जिस सहायता के कारण भारत जो है युद्ध जितवा दिया बांग्लादेश को, और बांग्लादेश युद्ध जीतने के बाद अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। और 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था बांग्लादेश के कारण, वही दोस्तों मेन कारण है अभी तक जो है भारत पाकिस्तान के बीच जो झगड़ा का कारण बना हुआ है, मतभेद का कारण बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों आपको बता दें 3 का ए सही होगा, यानी कि दोस्तों कैनबरा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि 2014 तक उपन्यास पर बनी इस फिल्म ने सबसे अधिक कमाई की, सबसे अधिक कमाई किसने की थी, कौन सा फिल्म है। तो 4 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बी होगा, यानी कि हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन, ठीक है, सॉर्सरर्स स्टोन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो आपका 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश में खुले में शौच करने वाले लोग सर्वाधिक हैं, मतलब सबसे अधिक जो खुले में शौच करते हैं वो किस देश में ऐसा स्थिति बना हुआ है। तो 5 का बी ऑप्शन से होगा, यानी तो सूडान में सबसे अधिक लोग खुले में शौच करते हैं अभी भी। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि कौन सा राज्य तानसेन सम्मान देता है, तानसेन सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। तो 6 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, यानी कि देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के द्वारा, एमपी मध्य प्रदेश के द्वारा दोस्तों तानसेन सम्मान दिया जाता है। तानसेन आपको बता दें कि तानसेन जो है वो संगीतज्ञ थे, यानी कि संगीत के ज्ञाता थे, और तानसेन दोस्तों आपको याद रखना कि अकबर के नवरत्न में भी ये शामिल है, नवरत्न, ठीक है, नवरत्न में भी ये क्या थे दोस्तों, शामिल थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि 2015 में किसको खेल रत्न से पुरस्कृत किया गया, 2015 में खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो 7 का सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि सानिया मिर्जा को, किसको दोस्तों, सानिया मिर्जा को। नेक्स्ट यहां पर जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय चंद्र अभियान का नाम था,
भारतीय चंद्र अभियान जो था उसका नाम क्या था? तो आपको बता दें कि यहाँ पर 8 का जो सही आंसर होगा दोस्तों डी होगा, यानी कि चंद्रयान। क्या नाम था दोस्तों? चंद्रयान नाम था, चंद्रयान आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार के विजेता थे, बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो 9 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि अरविंद अडिग। अरविंद अडिग जो है बुकर ऑफ बुकर पुरस्कार के विजेता थे, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अरविंद अडिग को द व्हाइट टाइगर जो पुस्तक है उसके कारण दोस्तों 2008 में बुकर प्राइज जो है इनको मिला था, 2008 में ये बुकर प्राइज इनको मिला था, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहे कि अल्जीरिया यहाँ पर है, मतलब अल्जीरिया कहाँ है, अल्जीरिया जो है वो कहाँ है? तो 10 का जो सही आंसर होगा दोस्तों सी होगा, यानी कि अफ्रीका में है। कहाँ दोस्तों? अफ्रीका में है अल्जीरिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो 11 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही कि कौन सा देश प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के हिसाब से है ना कॉमिक पुस्तकों का सबसे बड़ा बड़ा निर्माता है? कॉमिक पुस्तक जितने भी होते हैं सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है क्षेत्रफल के आधार पर? तो 11 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ए होगा, यानी कि बेल्जियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो आपका जो दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि कुल सीटों के प्रतिशत के हिसाब से कौन से देश में सर्वाधिक महिला सांसद हैं? कुल सीटों के हिसाब से सबसे अधिक जो है महिला सांसद किस देश में है? तो आपको बता दें कि 12 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि रवांडा में दोस्तों सबसे अधिक महिला सांसद देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि यह एक जीवाणु की सहायता से नहीं बनता है, कौन ऐसी जो है जीवाणु की सहायता से नहीं बनता है? तो यहाँ पर 13 का जो दोस्तों सही आपका आंसर हो जाएगा वो यहाँ सी हो जाएगा, यानी कि आइसक्रीम जीवाणु की सहायता से नहीं बनता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि इनको 2016 में फाल्के पुरस्कार दिया गया, मतलब निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिसको 2016 में फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो 14 का जो बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही सही होगा, मनोज कुमार को। किसको दोस्तों? मनोज कुमार आप याद रखेंगे नाम। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि निर्माता हृदय इससे संबंधित जगह थी, पूछा गया कि निर्मल हृदय इससे संबंधित जगह थी, निर्मल हृदय जो है वो किससे संबंधित जगह है? तो आपको बता दें कि 15 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि मदर टेरेसा को दोस्तों निर्मल हृदय के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और इनको दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है मदर टेरेसा को, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट नोबेल प्राइज भी इनको मिला हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले मानव थे, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? तो 16 का जो दोस्तों ए ऑप्शन है बिल्कुल ही होगा, आर्मस्ट्रांग, याद रखेंगे आर्मस्ट्रांग। इनका जो पूरा नाम था दोस्तों आपको बता दें नील ए आर्मस्ट्रांग था, और ये आपको बता दें कि 20 जुलाई 1969 डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, 20 जुलाई 1969 ईस्वी में इन्होंने चंद्रमा पे पांव रखा था। दो व्यक्ति गए थे, ये फर्स्ट तो आपका है नील आर्मस्ट्रांग, और दूसरे जो व्यक्ति है दोस्तों उनका नाम था, अगर बात की जाए दूसरे व्यक्ति का तो आपको बता दें कि उनका नाम था एल्ड्रिन। क्या नाम था दोस्तों? एल्ड्रिन नाम था उनका। ये दोनों के दोनों अमेरिका के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। और उसमें आपको बता दें कि ये दो व्यक्ति जो है चंद्रमा पर गए थे अपोलो 2 मिशन के तहत, किसके तहत? 2 मिशन के साथ, अपोलो 2 जो है चंद्रयान था किसका? तो अमेरिका का। नेक्स्ट 17 नंबर जो क्वेश्चन है, पूछ रहे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 का जो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन है, 8 मार्च को दोस्तों याद रखना आपको कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं मनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 18 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जाए कि यह रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो 18 का जो यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि वान्टहॉफ जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले रसायन के क्षेत्र में ये दोस्तों प्रथम व्यक्ति थे। कब मिला था इनको? तो 1901 ईस्वी, याद रखिएगा 1901
एक ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ का पूरा डिटेल चर्चा हम फर्स्ट वीडियो के अंदर ही साइड किए थे, तो आप लोग वहाँ भी नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए। बहुत सारा जो आपका महत्वपूर्ण हमने वहाँ पर चर्चा किया था नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम शहर कौन सा था जिसमें बिजली उपलब्ध हुई, मतलब सबसे पहले कौन सा शहर है जिसमें भारत के अंदर बिजली लगाई गई। तो बेंगलुरु आप याद रखेंगे, इसीलिए इसको दोस्तों इलेक्ट्रिक सिटी भी बोला जाता है। बेंगलुरु को इलेक्ट्रिक नगर, यहाँ पर सबसे अधिक जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं बनती हैं और उत्पादन होती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो दोस्तों आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरह पूछा जाए कि यह भारत की सर्वप्रथम है ना परीक्षण नली शिशु था, परीक्षण नली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी निम्नलिखित में से कौन थी। तो 20 का जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा, यानी कि दुर्गा। कौन दोस्तों? दुर्गा जो है सबसे फर्स्ट, भारत की सबसे फर्स्ट जो है टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि परीक्षण नली शिशु थी। इसके बारे में आपको बता दें कि इसको दोस्तों कनुप्रिया के नाम से भी जानते हैं, और इनका जो जन्म है 3 अक्टूबर 1978 में हुआ था। कब? 3 अक्टूबर 1978 में हुआ था। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप लोग जो है प्रत्येक वीडियो देखना चाहते हैं, सब दिन वीडियो देखना चाहते हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें।